Good morning, everyone. Welcome to the Saviors Academy channel. And I, on behalf of the Saviors Academy family, I welcome all those who are having the first day over here in these online educational videos. And I welcome you all to attend English class of Saviors Academy. Now, sixth class, we'll just directly, without any wasting any time, we are just moving towards the lecture. So last time we studied the story of selfish giant. So this was our first chapter. We had done in the earlier videos. जो आज पहली बार आए हैं वो पुरानी कुछ videos को देख लें, तो English की videos हैं आपकी sixth class की playlist में. और इस YouTube channel को subscribe कर लें और playlist को अपनी playlist में add कर लीजिए या save कर लीजिए, तो जब भी कोई नया video आएगा आपके पास icon या नोटिफिकेशन आ जाएगा. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इस स्टोरी को, द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैड रेड द होल स्टोरी इन वन शॉट, एंड देन इन द सेकंड वीडियो वी हैड डन विद एक्सप्लेनेशन पार्ट टिल हियर. एंड व्हाट वी हैड सीन दैट इट वाज द आफ्टरनून टाइम, एंड एवरी आफ्टरनून हमने देखा था एक जायंट है और उसका गार्डन है, एंड गार्डन बहुत लवली है, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, एंड इट वॉज वेरी गुड. वी हैड ऑल रेड अबाउट द गार्डन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और उस गार्डन में बच्चे खेलते थे. बट 7 years आफ्टर, 7 साल बाद, जैसे द जायंट केम एंड वी रेड दैट ही वॉज एट द कॉर्निश ओगर, ही वॉज विद द कॉर्निश ओगर, एंड ओगर इज अ मैन ईटिंग जायंट. सो वी नो दैट ही इज नॉट अ मैन ईटिंग जायंट. So now we are going ahead in this chapter, and we will read the next part, and we here will see that what the chapter wants to say to us, wants to explain to us, what the chapter wants to talk to us. So on the next page we see that when he arrived, we know the giant has arrived, or when he arrived he saw children playing in the garden. Usne dekha ki bacche garden mein khel rahe hain, and jaise hi usne ye dekha usne कुछ नहीं करा, उसने पूछा सीधा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. ग्रफ, आप इसका मतलब बुक के नीचे आप देखिए क्या लिखा है, रफ, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं. ग्रफ मींस रफ, सो वी नो दैट रफ वॉइस में, एक रफ वॉइस कैसी होती है, तो एक ऐसी वॉइस में, आई नो बहुत फनी वॉइस है, सो एक बड़ी फनी वॉइस में, कैसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े वो इंसान होंगे जायंट्स, और वो एक रफ वॉइस में, उसने डरावनी वॉइस में बच्चों को बोला होगा. एंड जब उस आवाज़ में एकदम से कोई आपको बोलेगा तो आप क्या करोगे, यू विल रन अवे. सो वी रीड इन द चैप्टर दैट एंड द चिल्ड्रन रन अवे, वो भाग गए वहाँ से. माई Own garden is my own garden, said the giant. Giant, फिर उनके जाने के बाद giant says, my own garden is my own garden. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. Okay. So giant says that my own garden, मेरा खुद का garden है, और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट आई विल अलाउ नो बडी, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा यहाँ खेलने के सिवाय मेरे. तो वो क्या करता है, एक दीवार बना लेता है. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल, सिर्फ दीवार नहीं, वो एक हाई वॉल, एक ऊंची दीवार बनाता है चारों तरफ, ऑल राउंड इट, एंड पुट अप अ नोटिस, और उस दीवार पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है. वो नोटिस बोर्ड क्या कहता है, वो ये कहता है, सो पूरी एक सोचो एक गार्डन है, और गार्डन में अचानक से पूरा दीवार लग गया है चारों तरफ, एंड उस पर लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टार्स लगे हुए, दिस इज द स्टार, दिस इज द स्टार, व्हेनेवर दिस सॉर्ट ऑफ स्टार्स कम, सो इसका भी मतलब इन द चैप्टर इट हैड बीन गिवन. सो सी, सिंगल स्टार जो था, सिंगल स्टार हमारा था ट्रेसपासर्स. व्हाट डू ट्रेसपासर्स मीन, ट्रेसपासर्स का मतलब दोज हु एंटर विदाउट परमिशन. जब आप एक ऐसी जगह जाते हो विदाउट परमिशन, अगर एंटर करते हो जहाँ परमिशन लेनी जरूरी होती है, तो आप ट्रेसपासर्स कहलाते हो, आप ट्रेसपास कर रहे हो. एंड जब भी आप ट्रेसपास करोगे, व्हेनेवर यू आर ट्रेसपासिंग एनी एरिया विच रिक्वायर्स परमिशन, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, या किसी प्रकार का आपको
सुनवाई करनी पड़ेगी. सो प्रोसिक्यूटेड ही विल पनिश देम. ओके, ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट इंडीड. बहुत ही मतलबी जायंट था. अब तो हमें साफ पता पड़ गया, जहाँ वो बच्चों को खेलने दे सकता था, इतना बड़ा गार्डन था उसका, और उसने बच्चों को खेलने नहीं दिया. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. They tried to play on the streets, but streets were very dusty and full of hard stones, and they did not like it. बच्चों को अब कोई भी जगह नहीं मिल रही थी खेलने के लिए, और they tried to play. उन्होंने कोशिश करी streets पे खेलने की, but the streets were very dusty. और बहुत ही धूल मिट्टी थी वहाँ पर, पत्थर थे वहाँ, पथरीली भूमि थी, और वो लोग उस जगह पर खेल नहीं पाए. सो दे यूज टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल. अब कोई चीज जगह जब हमको बहुत पसंद होती है और हमें वहाँ जाने को नहीं मिलता, किसी वजह से वो जगह बंद हो गई, सो हम क्या करते हैं एज अ ह्यूमन बींग, वी जस्ट गो ओवर देयर अराउंड इट एंड वी जस्ट पीक. हम इधर उधर झांकते हैं, वी जस्ट सी कि भैया कब खुलेगा, या when anything in the place would open where we want to go. So they used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. So as soon as humne dekha tha first page pe, whenever their school is over, every day they used to come. So as soon as here also their lessons are over, so they used to study, and as soon as their lessons were over, uske baad wo log wahan beautiful garden ke aas paas aana shuru ho jata hai. Ab unke paas koi khelne ki jagah nahi, so bichare bacche ab uske aas paas, they used to wander around and they was just hoping that काश वो गार्डन खुल जाए. Let us see what the story says in the next part. So now the story continues and the story tells us like how happy we were there. How happy we were there. मतलब they said to each other, they would have cried to each other. हम कितने खुश थे वहाँ पर. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. Ab aap dekho yahan par. Then the spring came, and we know what spring is. Humne isse pehle wali jo aaj is video mein hai, unhe main batana chahunga. Humne pichli baar video mein spring ka matlab ya autumn ka matlab, dono spring and autumn ke humne matlab dekhe the, unke din dekhe the, wo kab aate hain, India mein kab hote hain. Aap please purani videos ko dekhe and just come back and underline this word, write this word around and write the meaning also. Jo jiski aaj pehli class hai wo iska matlab zarur likh le. If you don't know, pata hai to it's good. So then the spring came. जब कोई सीजन आता है तो वो एक ही जगह पे, मतलब ऐसा नहीं होता किसी जगह को छोड़ देता है. ऐसा तो नहीं होता कि बरसात आती है और आपके घर पे ही नहीं आई. अब आप बोलोगे हाँ सर ऐसा हुआ मेरे साथ, तो वो क्लस्टर्ड बरसात होगी. वो ऐसा होगा कि आपने खुद ने बरसात कर दी. बट अगर कोई तूफान आया, सपोज कोई सीजन आता है, अगर मैं बोलता हूँ विंटर आया, तो ऐसा तो नहीं कि आपके घर पर गर्मी है और बाकी जगह विंटर है और आप एकदम गर्मी में हो, नहीं. सो यहाँ पढ़े हम ध्यान से, यू रीड द स्टोरी. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. हर जगह कहीं ना कहीं फूल खिले थे, कुछ चिड़ियाएं थी, पर ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर. अब आप देखो कितना इट इज वियर दैट ओनली इन द सेल्फिश जायंट्स गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. लेट अस सी व्हाट द स्टोरी सेज. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. Okay. So at that time जब giant क्या winter था, बाकी सब जगह there was spring and there were blossoms, but the giant's garden, the selfish giant's garden was still having winters, and in the winter time the birds were also not there. The birds did not care to sing. क्यों? Because there were no children. So there was a relationship between birds and children. Okay, हमें पता है in the first page, please go and read again that the children used to stop their games, जो कुछ भी वो कर रहे होते, their games or anything they were doing, they would have stopped at that time and when the birds were singing and they would have listened to the birds. तो जब कोई सुनने वाला ही नहीं तो birds गाएंगी किसके लिए? So there were no birds as there were no children.
एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और वहाँ के पेड़ जो फूल दे रहे थे, दो पीच ट्रीज थे, वो भूल गए ब्लॉसम, वो खिलना भूल गए, वो उन्होंने फ्रूटफुलनेस उनकी ख़त्म हो गई वहाँ पर जब बच्चे नहीं थे वहाँ। ओके एंड एक बेचारा अच्छा सा फूल आया भी, वन अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत खूबसूरत फूल आया भी, पर जैसे ही उसने देखा वो नोटिस बोर्ड, तो उस बहुत दुखी हुआ, उसे बहुत दुख महसूस हुआ उन बच्चों के लिए, और वो खुद वापस ग्राउंड में चला गया, वापस अंदर चला गया और सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर, जो वहां पर कौन थे, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड द फ्रॉस्ट। वहां कौन बचा था, बस स्नो, बर्फ थी और फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, कैन एनी बडी गेस? ओके सो द फ्रॉस्ट मीन्स छोटे छोटे बर्फ के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। सो वहां पर जो था सिर्फ बर्फ थी, जो कि स्मूथ बर्फ के रूप में हम देखते हैं, और साथ में क्रिस्टल्स थे उसके, बस। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया था। दे क्राइड, सो कौन, हु क्राइड? दे क्राइड, स्नो एंड द फ्रॉस्ट। नाउ द स्नो एंड द फ्रॉस्ट आर टॉकिंग लाइक पीपल, ओके? सो ओनली नॉन लिविंग पीपल वर देयर एक्चुअली, स्नो एंड द फ्रॉस्ट, एंड वॉट दे क्राइड, स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। सो बोलते हैं कि स्प्रिंग तो भूल गया इस गार्डन को, हम पूरे साल रहेंगे अब। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लोक, एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड द ट्रीज, पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden, and blew the chimney pots down. "This is a delightful spot," he said. "We must ask the hail on a visit." So let us see what they did. Spring has forgotten this garden. They cried that, and they said that we will live here. And what snow did? It covered up the whole grass with its white cloak. What is a cloak? A cloak is a long loose garment or a overcoat sort of thing. When we wear, we had seen in the Red Riding Hood also. We had seen in the Snow White story also wearing cloak. Cloak, and अगर आपको cloak का और आसानी से मतलब चाहिए, आपने Harry Potter movie देखा है, so they wear different type of cloaks over there, right? सो क्लोक यू कैन गेट अराउंड वॉट इज अ क्लोक, हम उस पर वापस आएंगे, विल बी हैविंग द वर्ड मीनिंग सेशन, एंड इन दैट आई विल शो यू सम डिफरेंट फोटोज रिलेटेड टू द वर्ड्स, एंड वील ऑल्सो प्रैक्टिस सम एक्टिविटी ऑन दैट। नाउ लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी अगेन। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड द ट्रीज सिल्वर, सो वी हैव स्नो कवर्ड द गार्डन एंड द फ्रॉस्ट, वॉट द फ्रॉस्ट डिड, दैट क्रिस्टल, क्रिस्टल ने क्या करा, painted all the trees silver. So the writer here is describing how the trees were looking over there at the time of spring, but there were winter, there was winter in the garden of the giant, or I can say the selfish giant. Then they invited, अब उन्होंने क्या करा, उन दो जने वहां कौन थे, स्नो एंड द फ्रॉस्ट, अब उन दो जनों ने किसको बुलाया, they invited, they invite, invite करा किसको, north wind, what is north wind, these are the cold wind, cold winter winds coming from the northern hemisphere. So they invited the north wind, सोने पे सुहागा, कि भैया तू भी आ जाओ, चल, to stay with them. And he came, और वो आ भी गया. He was wrapped in furs and he rode. Now the writer has described the north wind as आप इसको ऐसा देखो कि the north wind is wrapped in furs. एक फरी फरी जैसे ओवर कोट पहन के नॉर्थ विंड आया है, एंड ही रोड रोड लाइक लायन एंड ऑल अबाउट द डे। आपने सुना है हाउ नॉर्थ विंड, एक हवा कैसे रोर कर सकती है, आप लोगों ने जब आंधी तूफान देखा होगा, जोधपुर में आप यहाँ रहे हैं, बहुत आंधी तूफान आपने देखे हैं, जब गर्मियों में बहुत तेज हवाएं चलती है तो कैसी आवाज आती है, ऐसा लगता है मतलब हवा दहाड़ रही है, वो आवाज, दैट इज नोन एज द roaring sound of the wind. So here also the wind is so fast that it is he roared. So the writer had very well said over here, he was wrapped with furs. Furs means wo ek tarah se its density was very large, bahut zyada thi, and he roared and he was very, it was very fast all the day in the, about the garden. Wo pura din wahan par ghoomte rehte the hawa.
एंड उस तेज हवा की वजह से क्या हुआ, जो चिमनी पॉट्स थे वो बेचारे टूट के गिर गए एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड. और जब वो ऊपर उसने चिमनी स्पॉट्स गिराए होंगे वहां से वो पूरी जगह को देख के वो बोला होगा ये बड़ी ही सुंदर जगह है, बड़ी ही अच्छी जगह है, यहाँ तो पूरी विंटर ही विंटर है, यहाँ मैं रह सकता हूँ. वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट. अब वो उस तीसरे ने जिसको स्नो एंड फ्रॉस्ट ने इनवाइट करा था, नॉर्थ विंड ने, उस नॉर्थ विंड ने हेल को भी बोला. तो वो बोलता हम तीनों को अब हेल को भी बुला लेना चाहिए. अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉट इज हेल. सो मैनी मैनी ऑफ यू आई नो मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ हेल. सो आई जस्ट डिस्क्राइब इट एज ओले. जब आप लोग देखते हो कि ओले गिरते हैं तो क्या आता है न्यूज में, हेल स्टॉम. जोधपुर स्ट्रक विद हेल स्टॉम और कोड़ी बक्तासनी स्ट्रक विद लाइट हेल स्टॉम. ऑल दो वी आर नॉट टिल येट, बट आपने ओले देखे होंगे जयपुर में जो गए हैं या कहीं पर भी आप लोग ऐसी जगह का गाँवों में जब जाते हो तो आपने ओले गिरते हुए देखे होंगे. सो अब वहाँ बर्फ थी, वहाँ बर्फ के क्रिस्टल थे, वहाँ सर्दी की ठंडी हवाएं थी और बहुत तेज और बहुत ज्यादा. साथ में अब कौन आ गया, किसको इनवाइट कर दिया उसने, किसको विजिट करने का बोला, ओलो को. सो यहाँ तो पूरा ही बेचारा ठंडक ठंड पा गई है भाई. ओके. सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours. ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. And then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. So, यहाँ पर writer has also described a hail as a person and how this hail person, जो ये hail है, जो ये ओले हैं, ओले को इन्होंने बुलाया, वो ओले अब कैसे दिख रहा है, मतलब उसने एक इंसान की तरह बताया यहाँ पर. वो हर दिन, अब वो पहले बताता है उसकी एक्टिविटी, एवरी डे व्हाट हेल वाज डूइंग एवरी डे फॉर व्हाट टाइम, फॉर 3 hours. ही व्हाट ही वाज डूइंग, ही रैटल्ड ऑन द रूफ एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे ही लेफ्ट, एवरी डे ही रैटल्ड ऑन फॉर 3 hours. ही रैटल्ड ऑन द रूफ. रैटल मतलब एक रैटलिंग क्या होती है, रैटलिंग एक जैसे आपने हम जब आप स्कूल में आते हो तब एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजाते हैं जिसमें हम लोग शेक करते हैं, तो दैट इज अ रैटलिंग साउंड. So this sort of sound is a rattling sound. Now, खूब सारे ओले जब गिरते हैं तो कैसी आवाज आती है, तो कुछ वैसी ही आवाज is known as rattling. अब वो rattled on the roof, खूब सारे ओले वहां गिरते होंगे कहां पर, on the roof of the castle till he broke most of the slates. So पुराने जमाने में जब अगर मैं पुराने castles की बात करूं, so not the Indian one and not the traditional Indian one, but if I talk about अदर कैसल्स या थोड़े पुराने ज़माने में और हम जाएँ, ट्रेडिशनल इंडियन कैसल जो इंडियन मेड है वो नहीं, बट हम पुराने ज़माने में जाएँ तो वहाँ की छतें कैसी होती थी, जैसे ईंटें रखी हैं, ईंटें भी नहीं कह सकता मैं, स्लेट्स, स्लेट्स होते हैं जैसे झूलों के ऊपर आप वो पट्टी नहीं रखते, मिट्टी से बनी पट्टियाँ रखते हैं, वैसे ही स्लेट्स से बना हुआ वहाँ पर खूब सारे मिट्टी से बने हुए स्लेट्स रखे होंगे. एंड व्हाट द हेल डिड, ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. उसने काफ़ी सारी, मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, ज़्यादातर उसने स्लेट्स क्या करी, तोड़ दी. और उसके बाद फिर वो क्या करता, ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज अ फास्ट एज ही कुड. उसके बाद वो पूरे गार्डन में राउंड 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 पूरे सर्कल में वो घूमता रहता पूरे गार्डन में. एंड ही वॉज ड्रेस्ड, नाउ हेल किस तरह से ड्रेस्ड है, ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, ग्रे कलर के कपड़ों में है. एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक, उसकी सांस कैसी थी, आइस, बर्फ जैसी सांस थी. अब वो हेल है तो दिखती बात है कि अगर ओले गिरा रहा है वो, सो उसकी सांस बर्फ जैसी होगी. सो दिस इज जस्ट मेयर इमेजिनेशन एंड इट इज अ फेरी टेल अगेन. एंड लेट अस रीड कंटिन्यू दिस फेरी टेल एंड व्हाट द स्टोरी टेल्स अस. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन. आई होप There will be a change in the weather. But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. He's too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. Now,
All this is happening, all this drama is happening, all those four people over there. Who are the four people in the garden right now? No, not the children. वहाँ बच्चे नहीं, अभी चार पीपल वहाँ जा जा चार persons कौन है, चार लोग कौन है? Who are the four people? Let us just recall the above text what we have read. जो चार persons हैं, जो चार people हैं, वो हैं first snow, second frost, third Anybody answer? हाँ yes, you. I am asking to you only. Please answer. Don't just sit quiet. मैं सुन रहा हूँ तुमको. I am just joking. It's just a video. Third person कौन है वहाँ पर? North wind and fourth person है hill. So ये चारों वहाँ इतना अच्छा तमाशा कर रहे हैं. वहाँ पूरा इन्होंने अच्छा system बना रखा है. वहाँ पूरा बस गए हैं लोग, क्योंकि अब देखो वहाँ बच्चे नहीं हैं. और अभी भी सेल्फिश जायंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड ही व्हाट ही सेज, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग. वो बोलता है कि हम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये स्प्रिंग को हो क्या गए, थी लेट क्यों हो गई. आज ही सैट ऑन द विंडो एंड ही लुक्ड आउटसाइड इन द कोल्ड गार्डन. वो अपने कोल्ड गार्डन को बेचारा अपनी विंडो से देख रहा है. आई होप देयर विल बी अ चेंज. वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ, काश मौसम थोड़ा बदल जाए, वेदर थोड़ा बदल जाए. पर स्प्रिंग कभी आई नहीं, ना ही कभी गर्मी आई. अब ऑटम आ गया, और ऑटम की वजह से सारे गार्डन्स में कुछ ना कुछ फ्रूट्स, कोई गोल्डन फ्रूट्स दे हैड, बट द जायंट गार्डन शी गेव नन. और क्या बोलती है वो ऑटम, क्या बोलता है, ही इज टू सेल्फिश. कौन? द सेल्फिश जायंट ऑब्वियसली, शी सेड. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. So वहाँ पर नाच गाना बेचारे वो चारों करते रहे, और ठंडी पड़ी रही वहाँ पर, सर्दियाँ वहीं रहीं, वहाँ ऑटम भी नहीं आया. One morning, एक सुबह, the giant was lying awake in the bed and he heard some lovely music. और उसने एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक सुना. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. So what is a linnet? First we'll see that, a small brown bird. Here the meaning is given in the textbook. Please read through the meaning also. A small brown bird that makes a pleasant sound. Okay, so this is a linnet, as you are seeing over here. This is actually a linnet. Okay, ye hum bhi dekhte hain kaisi hoti hain choti choti chidiyae. So we had seen linnet already. So ek simple si linnet jab wahan par aake chehcha rahi thi, so it seemed to be him to be the most beautiful music, because wahan par itne dinon tak koi, itne mahinon tak koi chidiya aayi hi nahi. Ab kya bolta hai the giant, what he says, let us see. I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. और उसको लगता है कि स्प्रिंग आ गया, और फिर वो कूद के बाहर आया अपने बिस्तर से. लिटरली वो कूद के बाहर, हमको जब बहुत खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, हम क्या करते हैं, बिस्तर से छलांग मार के बाहर आता है. वैसे वो जायंट भी छलांग मार के बाहर आया, एंड ही लुक्ड आउट. और उसने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting on the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight, and flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. So उसने क्या देखा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उसने देखा, जो उसने कभी सोचा नहीं होगा. And he sees that through a little hole, एक छोटा सा होल दीवार में बना के बच्चे अंदर आ चुके थे. The children had crept in. Now I would like you to tell the meaning. Crept मतलब रेंगते हुए, मतलब वो खड्डा, या मैं कह सकता हूँ वो जो छेद था, it was not big, वो एक small hole ही होगा. We are seeing it here, it was a little hole. So उन्होंने दीवार में जैसे तैसे करके एक छोटा सा होल बनाया होगा, and they would have crept in. वो रेंगते हुए अंदर आ गए, and they were sitting on the branches, और वो trees की branches पर फिर पहले जैसे बैठ गए. और हर tree, now अब नज़ारा देखो,
एक रात पहले तक, वन नाइट अर्लियर वी वर सीइंग द विंटर ओवर देयर, देयर वर द ट्रीज वर नॉट लुकिंग वेरी लाइवली, ऑल द ट्रीज ब्रांचेस वर ग्रे इन कलर बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट, एंड नाउ व्हाट वी सी इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड. Now they were the writer here is saying is just joining the context that the trees were so glad. आपको लगता है पेड़ों की कोई feelings होती होगी? सोच के देखें. आपके क्लासरूम्स के बाहर हमने छोटे छोटे आपने पौधे रखे थे, आप अपने पौधों का ध्यान रखते थे, और मैंने आपसे पिछले साल शुरुआत में आपसे आई हैड टोल्ड यू दैट आपको अपने अपने पौधों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है. एंड वी वर टॉकिंग कैसे संभालेंगे, वी वर टॉकिंग दैट आप उससे बातचीत करो, आप उससे हंसो खेलो, आप उसको जोक सुनाओ, आप उसको पानी दो, आप उसको प्यार दो. और हमने देखा काफ़ी पौधे आप लोगों की वजह से खिले हुए थे. आज अगर मैं आपको कुछ पौधों की शक्ल बताऊँगा तो उनकी शक्ल उतरी भी है, उसमें से कुछ पौधे मर गए हैं, एक दो पौधों को मैंने प्यार से बोला बच्चे आएंगे तो आई थिंक वो अभी जी रहे हैं. मैं आप लोगों को फोटो ज़रूर शेयर करूँगा. यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे we celebrated the earth day also. और हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं यहाँ पर स्कूल में. सो आपको पता है कि trees and plants also have feelings, and यहाँ पर भी the writer has joined the feelings of a tree. और यहाँ बोल the writer has stated that the story through the writer stating that and the trees were so glad, trees इतने खुश थे to have the children back again that they had covered themselves with blossoms. और उन्होंने जैसी ये सोच, मतलब इतने खुशी से वो खुश हो गए कि उनके खुद को फिर प्रफुल्लित कर लिया, फिर फूलों से सजा लिया, and were waving their arms gently above children head. और वो अपनी branches, waving their arms, arms पेड़ों के हाथ क्या हुए, उसकी branches, okay, they were waving their arms gently above the children's head. उनके ऊपर धीरे धीरे हाथ उनके लहरा रहे होंगे उनके सरों के ऊपर. The birds were flying about and twittering with delight. वहाँ सारी चिड़ियाएँ फिर से उड़ने लगी, आजू बाजू वहाँ पर खूब सारी चिड़ियाएँ आ गई. And twittering with delight. What do you mean by twittering? So we see this bird was twittering. What do you mean by twittering? Twittering means chehchahana, chirping. All the birds were just singing. और वो खुशी के मारे they were twittering. Twittering with delight, extreme happiness. और वो ये सब खुश क्यों थे? Because they were children and all of them, all of the natural things over there were attached to those children and their happiness and their playfulness over there and their joyfulness. So हम देखते हैं नेचर, जो जिंदा नेचर है, हम जिंदा लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है. हम सोचते हैं कि नेचर इज नॉट, नेचर इज जस्ट एन एंटिटी, या हम उसको सिर्फ बोलते हैं कि नेचर, नेचर ही तो है, नेचर हम हैं जिंदा तो ओके. नहीं, हम ने इस पूरी धरती को एक जिंदा धरती के रूप में हमसे जुड़े जुड़ी हुई रखी है. व्हेन द गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज वेज, इन हिज हिज इमेज, सो वी सी दैट ही हैज आल्सो क्रिएटेड द नेचर आल्सो, एंड वी बोथ आर लिंक्ड अप. सो यहां पर भी हम देखते हैं एवरीथिंग is linked up with the happiness of the children. And the flowers were looking up. Now we read the story. And the flowers were looking up through the green grass. Wapas flowers aa gaye the and they were laughing. They were laughing. Flowers were laughing. It was a lovely scene. It was a lovely scene. Bahut hi pyara scene tha wahan pe. Bahut hi pyara nazara tha. Only in one corner it was still winter. Wahan par sirf ek corner pe garden bahut bada tha chuki to bacche khel rahe the, but ek corner pe, sirf ek corner pe garden ke winter tha abhi bhi, wahan sardi thi abhi bhi. It was the farthest, wo thoda sa dur pe tha wo kona, thoda duri pe tha, farthest corner tha, dur tha wo kona. And in it was standing a little boy, aur wahan par ek chota ladka tha. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. वह रो रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं branches पे कैसे जाऊँ. He was not able to reach up because he was small, बहुत छोटा था. The poor tree was still quiet, covered with frost and snow. बेचारा पेड़ जो था वो अभी भी थोड़ी बहुत उस पर स्नो लगी हुई थी, अभी भी उस पर थोड़ा सा फ्रॉस्ट था.
था एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट. और वहां पर नॉर्थ विंड जो थी अभी भी वही थी, पर उसके ऊपर पेड़ के ऊपर वो चल रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. ट्री ने बच्चे को बोला ऊपर चढ़ जाओ मेरे जल्दी से. एंड इट बेंट इन ब्रांचेस. और वो झुका अपनी ब्रांचेस उसने झुकाई एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी. लड़का बहुत छोटा था सो वो चढ़ नहीं पाया. द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. I will put the poor little boy up on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. So kids, this is the last segment that we are covering it over here and we will surely read after this in the next lecture. So we had read till here. I'll just highlight the thing for you so you can remember it, and I hope that you all would be well and you all would be safe, and I will pray for you all, and I will hope that we'll meet very soon in the school, and I would be very happy to see you. So thank you folks for enjoying the lesson. Enjoy your day. Have a very nice day ahead.